जी का भारत गांव में और नरेंद्र मोदी का शहरों में। ग्रामीण भारत गांधी जी के दिल में और मोदी जी का शहरी भारत मन में। आज देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी योजना बनाने की जो संकल्पना को साकार किया जा रहा है, उसमें देश की ग्रामीण जो आर्थिक अधोसंरचना है उसको समाप्त किया जा रहा है, और इसके जिम्मेदार हैं देश का नीति आयोग। जिस तरीके से वादा खिलाफी की जा रही है, ग्रामीण भारत जो भारत के 75 करोड़ से अधिक जो ग्रामवासी हैं, उनकी जो ग्राम विकास की संकल्पना है उसको नेस्ताबूत करके मोदी जी का शहरी विकास मॉडल लागू किया जा रहा है, और जिस तरीके से विकास मॉडल लागू किया जा रहा है उसमें वादा खिलाफी भी की जा रही है। ग्रामीण भारत के जो आज ग्रामीण भारत के विकास की बात कर रहे हैं, वो आज प्रधानमंत्री की वादा खिलाफी का एक पर्दाफाश भी कर रहे हैं। देखिए, एक पत्र जारी हुआ केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, और उसमें कहा गया कि ये जारी किया गया 26 जून 2016 को। इसमें ये कहा गया कि आपको वेट करना था, वेट फॉर द डिसीजन, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका उसकी अवमानना की, और आज स्थिति ये है कि जिस तरीके से आज ग्रामीण भारत जो गांधी जी की संकल्पना पे है उसको कुठाराघात किया जा रहा है, और गांधी जी ने जिस तरीके से अपने विचार रखे थे कि सबसे पहले आपको वो तिरस्कृत करेंगे विकास के पुरोधा, फिर आपकी हंसी उड़ाएंगे, और फिर उसके बाद आपसे लड़ाई करेंगे, उसके बाद में आप जीतेंगे, ये महात्मा गांधी ने बताया था कि किस तरीके से आप आंदोलन करिए, और इसके जिम्मेदार देखिए यहाँ पर आज स्वयं शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अवमानना की, और जिस तरीके से अवमानना की उससे ऐसा लगता है कि न्याय प्रणाली भारत की उस पे से अविश्वास हो गया। भारतीय किसानों को, भारतीय ग्रामीणों को अब ऐसा लगता है कि भारत की न्याय प्रणाली अब विश्वास करने लायक नहीं है, और इसके संपूर्ण जिम्मेदार देश के कर्णधार हैं जो कहते कूचे और करते कूचे, वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट में डिसीजन है, वो याचिका पेंडिंग है, तो हम सबको वी में वेट फॉर द जजमेंट, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस जजमेंट की अनदेखी कर योजना को पूर्णा से दिनांक 25 जून 2016 को उन्होंने लागू भी कर दिया, और आज जो स्थिति है देश के अंदर वो पूरी तरीके से नेस्ताबूत करने वाली है, और ये जो योजना है 100 स्मार्ट सिटी योजना, वो ग्रामीण भारत में नक्सलवाद को लाएगी, आतंकवाद को लाएगी, सांप्रदायिकवाद को लाएगी, और इसके संपूर्ण जिम्मेदार देश के कर्णधार रहेंगे। देखिए, आज जिस तरीके से शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना की दी जा रही है, और उनका विकास कैसे किया जा रहा है, मास्टर प्लान का उल्लंघन करके किया जा रहा है। आज देश में मास्टर प्लान का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, और इस तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं, और जिस तरीके से शहरों को भीड़मय बनाया जा रहा है मास्टर प्लान की अनदेखी कर, और स्वयंभू योजनाएं बनाई जा रही हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि ये स्मार्ट सिटीज़ कहलाएंगी। ये सिटीज़ जो भी योजनाएं बन रही हैं उसमें मास्टर प्लान की अनदेखी हो रही है, उसमें तकनीकी दोष आ रहे हैं, और स्वीकृत डिज़ाइनों का उल्लंघन हो रहा है, और आज इसका परिणाम ये है कि क्या ये शहर स्मार्ट वाकई कहलाएंगे, ये प्रदूषित शहर हो जाएंगे। देखिए, आज सस्ते यातायात की बात करते हैं, सस्ते यातायात और परिवहन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कोई भी चीज़ गुणवत्ता को लिए नहीं है, सब जगह तकनीकी दोष है, और ये भीड़ भाड़ से भरे रहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा, और बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर कहलाएंगे। इसके लिए एक बार वापस से न्यायालय क्या इस योजना को वापस समीक्षा के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित करेगा, या फिर यहाँ पर नक्सलवाद, आतंकवाद और सांप्रदायवाद का केंद्र बनेंगे ये 100 शहर।